टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं रेनी सीजन के अंदर में कौन से टाइम और कैसे टाइम पे हम लोग जो है वो फ्रॉग फिशिंग कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि अभी काफ़ी बादल आ चुके हैं और ये जो टाइम है ये फ्रॉग फिशिंग का टाइम है और प्री मानसून सीजन है। जैसे आपने देखा होगा कि हर टाइम पे विंड का जो टाइमिंग है वो चेंज होते रहता है, तो सबसे पहले रेनी सीज़न में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री मानसून सीज़न आता है कि जिसके अंदर में हवाएं थोड़ी ज़्यादा तेज़ चलती है और बादल भी काफ़ी टाइम आते हैं और अचानक से बारिश होने लगती है और फिर धीरे धीरे थोड़ा मानसून का टाइम आता है। मतलब अभी के टाइम अगर हम लोग देखें तो अभी प्री मानसून सीज़न चालू है, कहीं जगह पर मानसून हो चुका है स्टार्ट। और प्री मानसून सीज़न में ये होता है कि जब बादल आ जाए, ऊपर जैसे आप शेडो में देख रहे हो बादल आ चुके हैं, तो इस तरह के टाइम थोड़ी विंड कम होती है और जैसे ही पूरा एटमॉस्फेयर बन जाता है पानी का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अटैक्स जो है वो कम हो जाती है क्योंकि विंड स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो है हल्का हल्का सा पानी हिल रहा है, इस टाइम पर अगर आप जाओगे तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपको बाइट होगा। और दिन के टाइम में, दिन भर में जो सबसे बेस्ट टाइम है हमेशा वो होता है सुबह का टाइम। सिर्फ विंटर एक टाइम है कि जिस टाइम पे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग शिकार नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 के बाद उस टाइम में भी शिकार होता है। तो ये हुई प्री मानसून सीज़न की बात। क्या प्री मानसून में थोड़ी बदली आने के बाद या बारिश गिरने के बाद, जैसे बारिश है 1-1.5 घंटा चल रही है, आधा घंटा चल रही है, वो हो गया है, फिर से एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, तो उसके 10 मिनट के अंदर में, 10-15 मिनट के अंदर में जो बाइट होंगी वो सबसे बेस्ट होंगी इस नेगेट की। और इसके बाद में थोड़ा सा एक पीरियड आता है प्री मानसून के बाद में, वो होता है रेनी सीज़न, फुल रेनी सीज़न, जिसमें नाले नदी सब एक हो जाते हैं और उसमें हो जाता है मडी वाटर। मडी वाटर के अंदर में जो है वो उसी टाइम शिकार होगा आपका कि जब वो वाटर स्टिल हो जाए। अगर मडी वाटर आप स्टिल नहीं देखते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आप वाईसी फ्रॉग यूज़ करके देखिए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि उस टाइम पे रिज़ल्ट आपको मिल जाए। अभी मेजरली क्या होगा कि ये टाइम जाने के बाद, जैसे ही मडी वाटर का टाइम जाता है, उस टाइम के बाद में जो आपका एक्चुअल सीज़न है रेन का, उस टाइम पर सबसे बेहतरीन अटैक हो गया। इस टाइम पर दिन में भी अटैक होते हैं और सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं सुबह और शाम में। दिन के टाइम में जो है वो 4-5 बजे से, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पतंगे और कीड़े मकोड़े शाम के टाइम उड़ना स्टार्ट कर देते हैं या सुबह के टाइम में, उस टाइम से आप अगर आप खेलोगे तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट जो है वो अटैकिंग आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा एक बायफर्गेशन मैंने आपको दिया है। इसके अंदर में एक पीरियड होता है, जैसे 15-15 दिन के एक सेशंस होते हैं पानी के, जिसमें हम लोग हिंदी में कहते हैं मगा, पूर्वा, उत्तरा, इस तरह के टाइमिंग्स होते हैं। उस टाइमिंग के हिसाब से आपको जो है कभी ओपन वाटर में खेलना होगा, कभी जो है वो नैरो वाटर में खेलना होगा। अभी नैरो वाटर में खेला कैसे जाता है, नैरो वाटर क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में अगर मैं आपको बोलूँ, नैरो जो होता है वाटर, वो खेलने का जो टाइम है वो होता है मिड ऑफ द सेशन। मतलब रेनी सीज़न आ जाता है और थोड़ा मिड का टाइम आ जाता है, बीच के टाइम में पानी जब थोड़ा बढ़ जाता है, वॉस्ट हो जाता है, तो तब से आप वहाँ पे खेलना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा और स्नेक हेड जो है फैलना स्टार्ट कर देंगे, अपने नए घर बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे आपको इजीली जो है अटैक 2-3 महीने के रेनी सीज़न के उस टाइम पर अटैक होगे। और मेजरली अगर देखा जाए तो रेनी सीज़न एक ऐसा सीज़न है कि जिसके अंदर में फ्रॉग फिशिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन इस टाइम में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी कितना बड़ा है, टेम्परेचर कैसा है, हवाएं कितनी तेज़ है। क्योंकि रेनी सीज़न में, जैसे प्री मानसून सीज़न है, तो प्री मानसून सीज़न में जो शुरुआत का मौसम होता है उस टाइम में हवाएं ज़्यादा होती है और कई टाइम ऐसा होता है कि जो हवाएं कम चलती है और स्टिल पानी रहता है। अभी जो देख रहे हो आप, ये लाइट वे है पानी का, जो थोड़ा थोड़ा पानी हिल रहा है, तो इस टाइम में भी जो है वो आपको घास का जो एरिया है वो टारगेट करना होगा, क्योंकि ओपन वाटर के अंदर में उतने बेस्ट अटैक नहीं होंगे। लेकिन अभी पानी उतना यहाँ पे बड़ा नहीं है इस तालाब पे जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर में जो है वो जो शेवाल है, जो कंजी है, या फिर हम लोग ग्रास बोल सकते हैं, घास जो पानी में आती है, उसके अंदर में ज़्यादा स्नेक हेड है। लेकिन जैसे ही थोड़ा पानी बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे ऐसे तालाबों में, जो छोटे तालाब होते हैं उन तालाबों में, जैसे ही जो ओपन वाटर आता है उसके अंदर में बेस्ट अटैक होते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पानी में नहीं जाके खेलना है। जैसे समर सीज़न में आप पानी में जाके खेलते हो, वैसे इसमें पानी में जाके आपको उस टाइम में रेनी सीज़न में नहीं खेलना है। रेनी सीज़न में पानी में जाने का जो टाइम होता है वो होता है 2-3 महीने के अंदर में।
पहले पहले आपको वो नहीं करना है, क्योंकि पहले पहले पानी का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा किनारे पे स्नेक हेड होगा और जैसे ही आप किनारे की तरफ जाओगे वो भागने लग जाएंगे। बड़े स्नेक हेड तो वहाँ से निकल जाते हैं, और जब पूरा पानी स्टिल और अपनी जगह बना लेंगे स्नेक हेड, तब अगर आप खेलना स्टार्ट करोगे तो तब बेस्ट होता है। अब इसके बाद में जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो है विंटर सीज़न के ऊपर में, कि विंटर सीज़न में जो टाइमिंग है अलग अलग टाइम के हिसाब से आप कब खेल सकते हो और कौन सा बेस्ट टाइम होता है। फिर आएगा समर सीज़न के बारे में, और इसके बाद में भी कुछ हमारे अपकमिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, जो अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा क्या फ्रॉक कौन से सेलेक्ट करना चाहिए सीज़न वाइज, और उनको किस तरह से यूज़ किया जाए। सबसे मेजर जो है यूज़ करने का डिफरेंस होता है फ्रॉक को टाइमिंग के हिसाब से। थैंक यू सो मच गाइज, और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो वीडियोस है ये आप ही लोगों के लिए बनते हैं, और आप जैसे न्यू एंगलर्स है या प्रो एंगलर्स है उनकी जो भी हेल्प मैं कर सकूँ मैं वो कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो भी लर्निंग किया है, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये प्रोफेशनल एंगलर्स जो स्नेक हेड फिशिंग के ऊपर में ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं उन लोगों से मैंने सीखा है। 4-5 साल से मैं ये सीख रहा हूँ, और सीखने की जो जर्नी है मेरी तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो होप्स हो कि आपने भी इस जर्नी को एंजॉय किया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।